यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। शनिवार को भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की लातेहार जिला संयोजिका मंजू सिंह की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक बरवाड़ी प्रखंड 20 सूत्री कार्यालय में हुई। बैठक में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री कृष्णलय तिवारी 20 सूत्री अध्यक्ष इकबाल सिंह सहित कई भाजपाई सम्मिलित हुए, जिसमें शीर्ष नेतृत्व से मिले निर्देशों के तहत अनुसूचित जनजाति बाहुल्य गांव में ग्राम सभा का आयोजन कर कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने की दिशा में कार्य करने की जरूरत पर बल दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही सुश्री मंजू ने कहा कि विकास योजनाओं के लाभुकों से भी योजना की सफलता पर चर्चा की जानी है। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री ने कहा कि विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आदिवासी बाहुल इलाकों में ग्राम सभा का आयोजन मील का पत्थर साबित होगा। बैठक में मंडल अध्यक्ष ईश्वर सिंह सहित 20 सूत्री सदस्य और कई जन प्रतिनिधि भी शामिल हुए। ग्राम सभा करने वाली है गाँव में, उसके उद्देश्य क्या है? हम लोग जो ग्राम सभा करने वाले हैं तो हमारा मतलब अभी जो हमारी सरकार है यहाँ, तो सरकार के द्वारा जो यहाँ पर हर एक ग्राम में पंचायत स्तर एकदम ग्राम स्तर तक जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसका जानकारी हम लोगों को हर लाभुक को देना है कि क्या क्या काम हुआ है और हमारी सरकार आदिवासी बहुल इलाकों में क्या क्या काम कर रही है और क्या उन लोगों को मिला है, इसके बारे में जानकारी के लिए हम लोग ग्राम सभा कर रहे हैं कि हमारी सरकार जो कार्यक्रम कर रही है उसका जानकारी एकदम निचले स्तर तक जाए और सारे लोग उससे लाभान्वित हों। इसीलिए हम लोग मतलब हर एक बीजेपी के कार्यकर्ता को अपना अपना प्रखंड में एक आदिवासी बहुल गाँव जहाँ की 80 से 90% आदिवासी जहाँ निवास करते हैं उस जगह हम लोगों को ग्राम सभा करने के लिए दायित्व मिला है और मुझे यहाँ बरवाडी प्रखंड में मिला है